अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो पता करिए कि आपका आधार कार्ड कहाँ है, और आप बीमार हैं तो भी पता करिए कि आपका आधार कार्ड कहाँ है, क्योंकि आधार कार्ड नहीं तो डॉक्टर उपचार से पहले आपको कानून बताएंगे, कानून समझाएंगे। इसी कानून को सुनते सुनते मरीज की मौत भी हो जाएगी। और हरियाणा के सोनीपत में एक कारगिल शहीद के वीरांगना की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड तो था लेकिन उसकी प्रति उसके पास नहीं थी, जिसके बाद डॉक्टर साहिबा की संवेदनशीलता के चलते वीरांगना की मौत हो जाती है। ये डॉक्टर साहिबा जिस मीडिया को कानून की बात समझा रही है, वही कानून सोनीपत में एक महिला की मौत का कारण बन गया। जिस आधार कार्ड के नाम पर भारत को डिजिटल बनाने की डिंगे हाकी जा रही है, उसी आधार के नाम पर कई जाने जा चुकी है। इस बार बारी थी एक फौजी की पत्नी की। आधार कार्ड की कॉपी नहीं दिखाने पर अस्पताल ने इलाज करने से साफ साफ मना कर दिया और महिला की मौत हो गई। कुछ भी करना तो हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हमसे आपका पक्ष, हम आपका पक्ष ले रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं करो आप, ठीक है, पहले आप पूछो वजह क्या है, हम वजह के आधार पे आए हैं, वजह के आधार पे हैं, वजह आप बताओगे। उसके आधार पे नहीं आए हम, उसने बुलाया तब आए हैं, हम आपका पक्ष भी ले रहे हैं, हम आपका पक्ष भी लेंगे। आप गलत समझ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है मीडिया की, मीडिया की प्रॉब्लम है, आप गलत समझ रहे हैं। बुलाया इन्होंने है, आप कर लेंगे, नियम कानून आप बता दीजिए, पढ़ो पहले आप। आधार कार्ड नहीं दिखाने पर कारगिल शहीद की पत्नी का इलाज नहीं किया गया और डॉक्टर साहिबा महिला की मौत को रोकने के बजाय कानून का पाठ पढ़ा रही है। हरियाणा के सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल के डॉक्टरों ने संवेदनशीलता की सभी हदें पार करते हुए महिला को मरने पे छोड़ दिया। दरअसल महलाना गांव के शहीद लक्ष्मण दास की विधवा शकुंतला को उनके परिजन सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल लेकर पहुँचे थे। वहाँ अस्पताल ने इलाज करने के बजाय आधार कार्ड की कॉपी मांगने लगा, जिसके बाद परिवार के लोगों ने फोन में आधार की कॉपी दिखाई लेकिन मामला नहीं बना। देखते ही देखते महिला की हालत नाजुक होती चली गई और परिवार वालों ने उन्हें आनन फानन में दूसरे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। दूसरे अस्पताल में ले जाते हुए कारगिल शहीद पत्नी की रास्ते में मौत हो गई। अस्पतालों के ऐसे रवैये के बाद बेशक उस पर राजनीति हो, लेकिन मौत के बाद महिला की जिंदगी का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अधूरा है। देखिए ऐसा है, मैंने कल टीम भेजी थी वहाँ पे अस्पताल में। अब वैसे तो आधार कार्ड के लिए किसी का इलाज मना करना जायज नहीं है, और वो जो अस्पताल है वो आर्मी के एम्पैनलमेंट पे है, और ये आर्मी का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कोई आधार की शर्त उसमें लगा रखी है या नहीं लगा रखी है। और कार्रवाई भी पहले तौर पे तो आर्मी को करनी पड़ेगी, अगर उनकी एम्पैनलमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उनको इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी अभी मैंने प्रिलिमिनरी जांच कराई है, अब मैं चंडीगढ़ से टीम भेजूंगा जो सारी डिटेल्ड रिपोर्ट लेके आए। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी अस्पताल प्रशासन इस मौत के बाद अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर विकास का ढोल बजाएं। इधर महिला की मौत सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी ना होने से हो जाए तो हम तो कहेंगे कि देखो आसमान से खिलकर निकल रहा है सूरज और आधार कार्ड के नाम पर हत्या का कारोबार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो क्या सिर्फ ये मौत थी या फिर हत्या थी? अगर हत्या थी तो जिम्मेदार कौन है? क्या सांस लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है? और ना निजी अस्पतालों में उपचार मिल रहा है, ना सरकारी अस्पताल इस तरह से माकूल हैं कि वहां उपचार मिल पाए तो आम आदमी कहां जाए? इन सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर स्नेहलता है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता आप हैं, साथ ही रविन्द्र ढुल है हमारे साथ, इनेलो का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। आप दोनों का स्वागत है। ढुल साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले से, क्या ये सिर्फ मौत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हत्या थी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक गुजरात में अधिवेशन किया था, उसमें इन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस ने जो आधार कार्ड जो चलाया है इसे मैंडेटरी किया है, हम इसे हटाएंगे और आधार कार्ड को बंद करेंगे, निजता की का हनन है। ये कहते हुए भाजपा ने चुनाव भी लड़ा था और उसके बाद में भाजपा ने किस प्रकार से पलटी मारी इस इशू के ऊपर आपको पता है। समस्या इस चीज़ से नहीं है कि हमारे पास में आधार कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
आपके पास में हो सकता है, आप कंप्लायंस के लिए करिए। समस्या ये है कि आप इसे मजबूरी बना दें, समस्या ये है कि मेरी कंसेंट के बिना ये कार्य होता है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है आधार कार्ड के ऊपर कि क्या ये होना चाहिए या ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2016 में एक बिल पास करती है पार्लियामेंट में, आधार कार्ड को कुछ सर्विसेज के लिए मैंडेटरी बना देती है। तो उस तरफ एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप मोबाइल फोन से भी आपको लिंक कराने की जरूरत नहीं है, 31 मार्च 2018 तक एक भी ऐसा दिन नहीं है मेरा मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये कंपनी मेरे को परेशान नहीं करती है। तो दोहरा रवैया जो इस प्रकार का अपनाया जा रहा है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि आधार कार्ड जो है के बिना इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, तो निंदनीय है, ये आर्मी का काम है। ये आप ये बताइए कि आपने आधार को मैंडेटरी किया ही क्यों है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जो है सुनवाई चल रही है, पहली बात तो ये। तो इसका इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। अब ये आर्मी ने नहीं बनाया था आधार कार्ड, ना ही आर्मी का इसमें रोल है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाया आर्मी के ऊपर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आर्मी ही जानती है कि वहां पे जरूरी था आधार कार्ड होना। बनाया किसने, मैंडेटरी किसने किया है? केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंडेटरी किया है। कौन सी ऐसी सर्विस है जो आधार कार्ड से नहीं, इन्होंने नहीं जोड़ दी है? आपकी जो है आपके ऑफिस के अंदर अटेंडेंस भी आपके आधार कार्ड से जोड़ दी है। आज ड्राइवर जो है भर्ती का चल रहा था मामला जो है आधार कार्ड का, मैं आपको बता दूं एक मामला आया है, उसके 60-70 ऐसे अभ्यर्थी थे जो आधार कार्ड के उनके जो है अंगूठे मैच ना होने के कारण उनका ड्राइवर भर्ती का टेस्ट नहीं लिया गया। तो इस प्रकार की चीजें, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि सांसें भी नहीं मिलेंगी अगर आधार कार्ड नहीं मिलेगा, शमशान भी नहीं मिलेगा। ज्योति जी, फरीदाबाद में मामला आया था, आपने देखा होगा, वो बोर्ड लगा हुआ था कि यदि आधार नहीं होगा तो आधार के बिना यहाँ पर शव दाह नहीं होगा, यहाँ पर तो शमशान भी नहीं मिलेगा। स्नेहलता जी, पूरी स्थिति जो है वो डराती है आम लोगों को कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सांसें भी आप नहीं ले पाएंगे और भविष्य में क्या कुछ हो सकता है अगर आधार कार्ड को इतना ही जरूरी माना जाता है, वो स्थिति भी डराती है। ज्योति जी, मोदी जी बार बार डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब वो आपको मोबाइल में कॉपी दिखा रहे हैं, उसकी पिक दिखा रहे हैं, तो कहाँ ये इनका दोहरापन है कि एक तरफ तो ये डिजिटलाइज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसको ये मानने को तैयार नहीं है। ये लकीर के फकीर हैं। इसके साथ साथ एक कारगिल की विधवा है वो, एक वीरांगना है वो, उसके लिए भी अगर आधार की जरूरत है तो कौन माँ अपने बेटे को फौज में भेजेगी? ये रोज जो है देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, तब है जब फोन में तस्वीर भी दिखा रहे हैं इनका आधार कार्ड है लेकिन जो ओरिजिनल जो कॉपी है वो घर पर है, उसके चलते उन्हें कहे कि उपचार के लिए भर्ती नहीं किया जाता। ज्योति जी, मान के चलिए आते हुए मुझे ही कुछ हो जाता है तो मेरी आधार अगर मैंने रखा हुआ है तो मेरे बच्चे या जो मुझे लेके आता है हॉस्पिटल में वो कहाँ से दे देगा? ठीक है, तो ये बेतुकी बातें हैं, ये लकीर के फकीर हैं, इनको करना कुछ नहीं है। की ये वीरांगना रही जिनकी मौत हुई है, बड़ी क्या क्या उसे भी किसी सबूत की जरूरत है? कहा जा सकता है क्या उसे भी किसी आधार की जरूरत है? क्या क्या एक वीरांगना होना अपने आप में सबूत नहीं है? उसने लता जी आपसे जानेंगी, डीएस ढिल्लो हैं हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल फोन लाइन पर जुड़े हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। ढिल्लो साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे कि एक शहीद जो होता है देश के लिए जान जो देता है। ढिल्लो साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जिस तरह से सोनीपत का ये मामला सामने आया, आपकी भी जानकारी में होगा कि एक शहीद की वीरांगना को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती नहीं किया जाता क्योंकि आधार कार्ड की कॉपी उसके पास नहीं होती, क्या कहेंगे इस पे? अभी ये बात ये है कि जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी का केस आता है तो हर डॉक्टर की ये पहली इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको मेडिकल एड दे ताकि वो उसमें को कैजुअलिटी ना हो सके जी। और दूसरी, जब आदमी बोलता है कि मैं कारगिल के मार्टर्स की वाइफ हूँ, उसको तो ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। आधार कार्ड या ECH कार्ड जो भी है वो बाद में आ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है अगर ऐसा किसी ने किया है तो, ये मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ढोल साहब, सीएम का भी बयान आया है कि मामले की जांच होगी, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हर एक मामले के बाद कमोबेश इस तरह के बयान आते हैं, जांच भी हो जाती है, दोषियों को पकड़ा भी जाता होगा, लेकिन क्या लगता है जो इंसान मर जाता है सिर्फ इस वजह से कि आधार कार्ड नहीं मिलता, क्या उसकी जान वापस आएगी? सरकार जिम्मेदारी लेगी किसी तरह? बिल्कुल भी नहीं आएगी ज्योति। ये जो ये मैं कह रहा हूँ, ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इनके खुद के दोहरे रवैये के कारण से।
आप डॉक्टरी के पेशे की जैसे कंसार में ये बात बताइए कि आपकी पहली ड्यूटी है इलाज करना, बाकी चीज बाद में, लेकिन यह सरकार की भी तो ड्यूटी थी। सरकार ये कह सकती है कि कंप्लायंस के अंदर कि आप किस किस प्रकार से लेंगे और क्या आपकी मोडेलिटी होगी। आपने आधार कार्ड को वहां पर कंपलसरी बना करके भेज दिया, ये जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार को लेनी पड़ेगी। इन्हें जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, माफी मांगे पूरे देश से, पहले भारत की फौज से माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे, इस आवाम से माफी मांगे कि आप जो है इस प्रकार का धोरा रवैया अपनाते हो कि एक तरफ तो आप एक मुद्दे के ऊपर आप सरकार बनाते हो और दूसरी तरफ उसी मुद्दे से पलट करके आपने जो वैशीपना हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने आपने कर दिया। आज को हमने बहुत सुना जिस तरह से वो घेरती थी आधार कार्ड। नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो है इसके बारे में, 2013 का गुजरात में मैंने बताया है कि भाजपा के अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निजता का हनन है, भाजपा की सरकार आने पर इसे हटा दिया जाएगा। और जिस प्रकार से निर्दयी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होते हुए एक बिल बना करके सारे हिंदुस्तान के अंदर लागू कर दिया, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती। और उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण महिला जो है इनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को पता है कि एक दोष किसका है, जांच बेशक से कुछ भी करवाती रही। इसने लता जी जिस तरह से कहे कि ये चीजों की जानकारी होती है डॉक्टर्स को भी कि आप उपचार के लिए भर्ती नहीं करेंगे, मरीज की जान भी जा सकती है, इंसानियत पहले मरी। लेकिन क्या लगता है, क्या सिस्टम का, क्या सरकार का भी खौफ नहीं कि आप पे एक्शन लिया जा सकता है निजी अस्पतालों में? ज्योति जी, सबसे बड़ी खामी जो है वो सरकार के रवैये में है। सरकार जो है एस्टेब्लिशमेंट कानून ला रही है, उसने डॉक्टरों को भी एक उधेड़बुन में डाल दिया है। उसने इतना कड़ा कानून बना दिया है कि डॉक्टरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया, वो करे तो मर गए, नहीं करे तो मर गए। दोषी सरकार है। डॉक्टर्स पे लांछन लगाना भी इतना उचित नहीं है। जो सरकार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको पता है कि वो कानून को तोड़ने मरोड़ने में और ताक झांक करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो टंकियों पे चढ़ते हैं, दूसरों के डिपार्टमेंट्स में ज्यादा दखलंदाजी करते हैं। नहीं, और किसी तरह का खौफ भी नहीं है, क्योंकि निजी अस्पतालों की मनमानी के मामले कई सामने आए हैं, खासतौर पर हरियाणा में, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार का, कानून का, कि अगर किसी की जान भी जाती है आपकी सरकार को जवाबदेही होगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एक्शन भी लिया जाएगा, वो भी डर नहीं? बिल्कुल डर नहीं है। और सरकार क्योंकि ढुलमुल रवैया अपना रही है ना हर चीज में, ना तो इसने जो सैनिक हैं वो अपने बच्चों को सरकार के भरोसे छोड़ के जाते हैं। लेकिन देख लिया आपने कि कितने सुरक्षित हैं, उनको सेवा ना सरकारी अस्पताल में मिल रही है ना प्राइवेट में मिल रही है। सरकारी अस्पतालों से अगर मिल जाए तो उनको क्यों प्राइवेट में जाना पड़ेगा? तो सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। उसका ढुलमुल रवैया है, वो कहीं भी जो है अपने आप को साबित नहीं कर पा रही है। हर कानून को उसने तोड़ मरोड़ के और हर एक को खुली छूट दे रखी है। मैं तो ये कहूंगी सभी को खुली छूट दे रखी है। जांच बिठाई जाती है, लेकिन उसके परिणाम कहां आते हैं? आज तक किसी 3.5 साल में किसी दोषी को सजा हुई है तो आप एक का नाम बता दीजिए जी। हैं, इसी तरह से जब चले कर्नल साहब का हम रुक करेंगे। ढिलो साहब, आपको जानकारी होगी क्या इस तरह से आधार कार्ड पहले भी मांगे गए, जब आर्मी से जुड़े जो अस्पताल होते हैं वहां उपचार, जो आर्मी से जुड़े जो लोग हैं, जवान हैं, जो सेना के, उनके परिजनों का उपचार करवाया जाता है। हेलो जी, क्या पहले भी आधार कार्ड मांगे जाते रहे ढिलो साहब? नहीं, आधार कार्ड ऐसे इमरजेंसी में मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ऐसा कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो हर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसकी जान बचाई जाए। और इसमें इंक्वायरी करने की जरूरत है, पता लगाने की जरूरत है कि ये गलती ऐसे क्यों हुई। आइंदा ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और खास करके मार्टर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनको दोबारा पूछ सकते थे, उनका रिकॉर्ड बाद में मांगा जा सकता है, लेकिन इलाज तो पहले करो जी। बिल्कुल, हर आदमी की जान बचानी बहुत जरूरी। चले, बीजेपी का पक्ष जानेंगे इस चर्चा में। वीरेंद्र चौहान है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हैं। चौहान साहब, चर्चा में आपका स्वागत है। आपको बड़ी बात में हमने जो मुद्दा उठाया है वो बता दें हम। सोनीपत में जो शहीद की वीरांगना की जान गई कि आधार कार्ड नहीं था, निजी अस्पताल ने उपचार के लिए भर्ती नहीं किया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक स्थिति नहीं हो सकती कि किसी भी मरीज की जान इसलिए चली जाए कि वो अस्पताल वाले उससे उसको कंपेल करें कि हम इलाज तब शुरू करेंगे जब आधार कार्ड वो पेश करेगा, और किसी शहीद की वीरांगना के साथ ऐसा हो जाए तो ये और ज्यादा कष्टदायक बात हो जाती है। निसंदेह प्राण चले गए हैं, प्राण वापस आना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है, मैं तो इसको आपराधिक कृत्य की
श्रेणी में रखता हूं और सरकार सख्त से सख्त जो दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी वो इसमें सुनिश्चित करेगी। हमने पहले भी निजी जो अस्पताल हैं उनके मामलों को लेकर चर्चाएं की। चौहान साहब, क्या लगता है, क्या सरकार का जो जिस तरह का थोड़ा बहुत खौफ होना चाहिए कि किसी मरीज की जान गई तो सरकार को जवाब देना होगा, क्या वो नहीं बचा है सूबे में? नहीं, देखिए, यूं कहना कि सरकार का खौफ नहीं बचा है ये बड़ी सी स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गड़बड़ करने वाले, गलत काम करने वाले लोग कानून में तमाम सख्त प्रावधानों के बावजूद गलतियां करते हैं। सरकार गड़बड़ करने वालों के प्रति सख्त है, दंडित करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन गलतियां फिर भी करते हैं लोग। यहाँ जिसने गलती की है उसको अपने आपराधिक कृत्य का हिसाब देना पड़ेगा। ढिल्लो साहब, जाने जाती रहेगी, आएंगे आपके पास ढिल्लो साहब, ढिल्लो साहब आपसे मैं जानूंगी, जाने जाती रहेंगी, वो खबर बनती रहेंगी, मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, उसके बाद सरकार कहेगी कि जो अपराध करते हैं वो कानून होने के बाद भी करते रहेंगे। निश्चित रूप से ऐसा जिस प्रकार की मंशाएं लगती हैं मुझे लगता है, और जिस प्रकार के कार्यशाली चल रही है, मंशा तो ना भी कहूँ मैं, कार्यशाली जो चल रही है उससे मुझे बिल्कुल भी कतई भी जो है ना तो मैं सहमत हूँ, और मैं एक प्रकार का निराशाजनक इन्वायरमेंट यहाँ पर बन गया है। आधार कार्ड जैसी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें के जिस चीज़ों के ऊपर इस प्रकार का कार्य होने लगा है, घृणित कार्य है। इस घृणित कार्य के ऊपर क्यों नहीं सरकार सुबह एक्सप्लेनेशन निकाल देती है कि हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पहले आधार कार्ड की मैंडेट नहीं होगी, आप जांच बाद में कराइए, पहले ये काम करवा दीजिए ना, मुहूर्त किस बात का, इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप ये कार्य करने के लिए? लेकिन आप तो बुजुर्गों की, हजारों बुजुर्गों की पेंशन आधार कार्ड से लिंक होने के कारण से आप काट देंगे। आप टेलीकॉम कंपनी 150 करोड़ का घोटाला कर जाएंगी आधार कार्ड को क्या पैसा निकाल करके सब्सिडी का, आप उन कंपनियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे? हाँ, लेकिन आप जांच का जरूर आश्वासन दे देंगे। इस तरह की बातों से हम कतई भी आश्वस्त नहीं है। कर्नल साहब, आपका आखिरी कमेंट, क्या उम्मीद की जाए अब सरकार से, चूंकि आर्मी से आप जुड़े रहे, अब सरकार से सिस्टम से कितनी उम्मीद की जा सकती है इस तरह के मामलों में इंसाफ की? गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, और ताकि आइंदा कोई भी ऐसे गलत काम ना हो। ये मार्टर्स की वाइफ तो छोड़ो, किसी और ऑर्डिनरी पर्सन के साथ भी ऐसा बेन्याय नहीं होना चाहिए। इसमें जो रूल्स है उन्होंने फॉलो नहीं किए लग रहे, इसमें इंक्वायरी करके जो भी आदमी जिनका कसूर है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी जो मार्टर्स की वाइफ है उसकी बहुत ऊंची होती है, और इतना उसका बोल देना कि मैं मार्टर्स की वाइफ हूँ तो मेरे ख्याल आधार कार्ड का सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। पहले तो उसकी जान बचानी चाहिए, कागजी कार्रवाई बाद में हो सकती है। हर इंसान की जिंदगी जो है एक ही दफा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। आधार कार्ड तो बाद में बनते रहेंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मृतिका के बेटे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, खबरें अभी तक की संवेदनाएं आपके साथ हैं। साथ ही आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जांच की बात स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कही गई, वो जांच कहां तक पहुंचे? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी, नमस्कार मैडम जी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जांच की जाएगी, सीएम भी कहते हैं जांच की जाएगी, आप लोगों को उम्मीदें कितनी है कि आपकी मां की जो है जान गई है उसके बाद जिस तरह से सरकार की ओर से कहा जा रहा है इंसाफ मिलेगा, उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं मैडम, हम पूरी उम्मीद सरकार से ये करते हैं कि हमारी मदद की जाएगी, हमारे प्रति जो ये घटना घटी है उसके बारे में सरकार पूरी जांच करेगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी जी। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि आधार कार्ड का मामला नहीं था, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैडम मेरे पास सब तरह के वीडियोग्राफी हैं जी, और प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन था नहीं, अब मीडिया थी और मेरे कुछ निजी दोस्त थे, उनने सबने वीडियो बना रखी है, वीडियो मेरे पास है। जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने मैं सारी चीजें रख दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौहान साहब, एक और मामला है फतेहाबाद का, हालांकि वक्त कम है लेकिन उस पर भी चर्चा जरूरी है। फतेहाबाद से एक खबर सामने आई जिसमें एक घायल महिला को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जिला अस्पताल उसे लेकर जाया जाता है, लेकिन 275 रुपए महिला के पास नहीं होते, उसका उपचार नहीं किया जाता, मीडिया पहुंचता है, 275 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद उपचार शुरू किया जाता है। जनाब, जब कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसे के लिए या आर्थिक जिस तरह से कमजोर कोई इंसान होगा उसका उपचार किया जाना जरूरी है, तो हरियाणा से इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? आपका जवाब। हेलो जी चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान जी, सवाल सुना आपने, मैं दोहराऊं?
जी प्रश्न एक बार दोहरा। फतेहाबाद का एक और मामला मैंने आपको सुनाया, जिस तरह से कि एक महिला पहुंचती है, वो घायल है, उसका उपचार किया जाना है, उसके पास 275 रुपए नहीं होते, हरियाणा के फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए इनकार किया जाता है। जवाब देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिविल अस्पताल में किसी को इसलिए इलाज से इनकार कर दिया जाए कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक, सिविल अस्पताल में उपचार के लिए और बहुत सारी बीमारियों का जो उपचार है, औषधियां हैं, वो बिल्कुल निशुल्क है जी। ये बात इसमें तथ्य नहीं मिलेगा ना, इसकी अगर इस तरह की शिकायत आई है उसकी पड़ताल करेंगे। इस बात पे तमाम तथ्य हमारे पास हैं, साथ ही जवाब इस बात पर लेना चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल में कौन सी वो फीस है जो 275 रुपए है और नहीं मिलेंगे तो उपचार भी नहीं होगा। मुझे कहने तो दीजिए जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास कोई तथ्य है तो हमको उपलब्ध कराइए। हाँ। सरकारी अस्पताल में किसी मरीज को इस तरह से इनकार कर दिया जाए ये संभव नहीं है, और अगर किसी ने किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। ठीक है, तय कीजिएगा। स्नेहलता जी, पूरे दिन से आज हमने एक खबर दिखाई है जिसमें घायल महिला का उपचार इसलिए नहीं होता कि सरकारी अस्पताल में भी रुपए की मांग की जाती है छोटी सी राशि के लिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, पैसे के लिए उपचार नहीं रोक सकते, उसके बावजूद उपचार रोका जाता है। ज्योति जी, आप मेरे से ज्यादा सारे दिन आपने खबर चलाई है, आप जानते हो कि सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी मीडिया का जो इन मामलों को उठाने तो लगे, नहीं तो अभी तक मीडिया भी सामने नहीं ला रहा था। तो मैं सभी मीडिया कर्मियों का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करती हूं कि वो आगे ऐसे मामलों को उठाएं ताकि जनता को न्याय मिले। ये सरकार तो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से सफल नहीं रही है और ये हर तरह से फेल अपने ढुलमुल रवैये के कारण रही है। एक लाइन में अगर ये सब इन चीजों के लिए आदेश जारी कर दें कल ही, तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे काम करने की, लेकिन ये नहीं करने। आखिरी जवाब आपका, निजी हो या सरकारी, जो स्वास्थ्य विभाग है उसको ज्यादा संजीदा होने की जरूरत। निश्चित रूप से संजीदा होने की जरूरत है, हमारे पास में सभी गाइडलाइंस है, हमारे पास में कानून है, हमारे पास में हमारा संविधान है। संविधान कहता है कि व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार है, उसके जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकते आप। तो आपको पहला आपका कार्य है जीवन के अधिकार की को सुनिश्चित करना, चाहे वो निजी हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी सुरक्षा करना इनका कार्य है। ये यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संविधान के तहत इसके इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो आधार कार्ड नहीं होगा या 275 रुपए नहीं होंगे तो सांसें नहीं मिलेंगी, सांसें थम जाएंगी, इस तरह के मामले हरियाणा में सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है कि जांच होगी, दोषियों को जो है सजा दी जाएगी, तो उम्मीद है कि इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। इसी को लेकर चर्चा की, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।